हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको यूपी जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा पेपर प्रोवाइड कराया है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम आपको जो 38 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है जनरल अवेयरनेस जीके के जो प्रश्न है उनका सटीक सोल्यूशन आपको देंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यूपी जेल वार्डन के संबंधित हर जानकारी प्राप्त हो सके। भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल मनाया जाता है दिसंबर महीने में। तो पूछा गया था यह भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर अपराधाधिकारी होता है, तो वो पूछा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व परिषद। आगे है कुतुब उद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम वंश का संस्थापक था और भारत का प्रथम मुस्लिम शासक भी आप इसे कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। आगे हम यदि बात करते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान नियुक्त किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो गुलाम वंश के था पहला माना जाता है। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट MOI साइन किए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत जल्दी ही हम आपको कमेंट में बता देंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी कैंडिडेट को गलत पर्सन का आंसर दिया जाए। इथोपिया की मुद्रा क्या है, ये पूछा गया था, तो इथोपिया की मुद्रा जो होगी आपको ऑप्शन नंबर डी जो है ब्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्र। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे आपका आ जाएगा अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार किसे मिले हैं, सम्मानित किए गए हैं, तो अगस्त 2020 में जो है आपका मेजर अमन सिंह ऑप्शन नंबर बी, इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया है। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, तो सबसे पहले जो आपका आ जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले आपका हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक। आगे यदि हम बात करते हैं निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 का प्रमुख संशोधन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ, तो भारत में जो विमुद्रीकरण नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी से दो क्वेश्चन आए थे, एक ये कि 500 के नोटों की संख्या कितनी थी, और 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 8 नवंबर 2006। निम्नलिखित में किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था, ये क्वेश्चन आया था, तो सबसे पहले GST जिस देश ने लागू किया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा सबसे पहले GST लागू किया गया। 1913-14 में हुआ टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, टाना भगत आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका है जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन 1930 में हुआ था। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार की श्रेणी में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जून 2020 में भारत और चीन की सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार के द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है, सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का, ब्यूनस आयर्स, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण नियमानुसार निम्न में से कौन सा है, तो 53 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। आगे जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, तो सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राबोबा राणे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा और ऑप्शन नंबर बी में आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। दो हम बात करें तो इससे संबंधित भी, पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से पूछा गया था कि
54 का 48 सोमनाथ शर्मा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया गया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। प्रसिद्ध पुस्तक द कैटलेट ऑफ क्रोमोसोम निम्नलिखित में किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमिताव घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के नौटंकी रामलीला कजरी झोला झपेली संबंधित हैं। 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक लोक नृत्य। जनवरी 2020 में आशुगंज क्वेश्चन नंबर 58 है 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन से संबंधित किया गया है यह किस देश के बीच है समझौता हुआ था। 58 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। आगे है क्वेश्चन भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर विश्वविद्यालय उपस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने में 2006 के दौरान निम्नलिखित में किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार परिषद। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची के आधिकारिक भाषा में सम्मिलित नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के रुपयों के नोटों की संख्या कितनी थी यह पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पूछे गए हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका रूस यूके चीन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा विकल्प को सही चुनाव करने के बाद उत्तर दीजिएगा उपयोग किए गए जिसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है तथा बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 65 नंबर है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। बोबीला वीणा कर्नाटक संबंधित करके क्वेश्चन दिया गया है उसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए सही है और सेकंड सही है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशिक्षण अकादमी से निम्नलिखित किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ए के को ये ग्रुप ए जो है आपका 67 राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ए जिसमें आपका IAS IPS संबंधित या सचिव संबंधित जो हम कहेंगे उसके लिए ट्रेनिंग होती है। 69 जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हम्पी स्मारक। निम्नलिखित किसकी खेती के लिए भारत में जायद फसल के लिए रूप में क्या उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरबूज। मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में किस वर्ष में गठित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मानव अधिकार परिषद इसके लिए राइट आंसर देखिएगा इसके लिए दो ऑप्शन है। भारत मानव अधिकार परिषद जो है 2006 दिल्ली में हुआ और यदि हम इंटरनेशनल की बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 1948 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो इसके लिए राइट आंसर जल्दी ही हम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर वैसे 3 वर्ष इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 23 पूछा गया है मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में राज्य की GDP अधिकतम योगदान दिया है। उस जिले का नाम पूछा गया है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोएडा। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसे उच्च उपज वाली किस्म माना गया है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर गेहूँ। इस प्रकार से GK के सभी क्वेश्चन सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराया है। यदि और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद।